फ्रेंड रात में टाइम पे अगर नींद नहीं आते तो अगले दिन अच्छा नहीं जाते। फिर नींद ना आने का कई सारे वजह हो सकते हैं, जैसे पहले आपको बड़ा कोई बीमार था जिसका साइड इफेक्ट का दौरान अभी तक आपको नींद बराबर नहीं होते, फिर ज्यादा टेंशन लेने का वजह से भी हो सकता है, फिर ज्यादा कोई नशा करने का वजह से भी हो सकते हैं। फिर जो भी है फ्रेंड, अगर टाइम पे नींद नहीं आते तो अगले दिन अच्छा नहीं जाते। तो फ्रेंड आपके लिए ऐसा एक टिप्स लेके आया है जो सिर्फ 2 मिनट में नींद आ जाएगा। ये ज्यादातर फ्रेंड कई कई देश में जवानों को ये टिप्स दिया जाते, उसका नींद रात में बराबर आ जाए और सुबह में बराबर उसका ड्यूटी दे सकते, क्योंकि डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते। तो वो टिप्स आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड ये अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जब आप नींद के लिए सो जाते हो, जब नींद नहीं आते तो बार बार दिमाग में एक ही बात आते रहते, नींद क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड जब आप नींद के लिए सोया हुआ हो तब आपको दिमाग में कुछ चल रहे होते, कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई टेंशन, कोई बातें, कोई कहानियां, कुछ ना कुछ चल रहे होते। तो फ्रेंड वो जब तक आपका दिमाग में चलेगा तब तक आपको नींद नहीं आएगा। तो सबसे आसान जो टिप्स है, आसान जो तरीका है, दिमाग का अंदर क्या चल रहा है वो उसके ऊपर जरा गौर कीजिए, वो देखना चालू कीजिए। आप अभी भी ये अप्लाई कर सकते, आपका दिमाग में अभी क्या चल रहा है जरा ध्यान लगाओ। जब आप देखने जाओगे आपका अंदर क्या चल रहा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब आपका इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है, इतना ज्यादा कुछ सोचता है आपका दिमाग का अंदर, लेकिन जब आप खुद देखने लग जाओगे असल में क्या चल रहा है दिमाग में तो पूरा स्टॉप हो जाते, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं रहते, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहते। तो फ्रेंड यही एक तरीका है, जो भी टेंशन आपको हो रहा है रात में सोने का टाइम पे, जो नींद नहीं आने देते, तो आप आचमका देखने लग जाओ जो आपका अंदर क्या चल रहा है। जब देखने लग जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको फ्रेंड एक मेडिटेशन कहते हैं, जो आप दिमाग लगा रहे हैं उसका ऊपर जहाँ पे टेंशन चल रहा है, जब दिखने लग जाओगे तब पूरा के पूरा शून्य हो जाते। तो जब शून्य हो जाते तब आपका दिमाग का अंदर कोई टेंशन बसते ही नहीं है। तो आप थोड़ी देर तक अगर वो लगाते रहोगे जो क्या चल रहा है देखते रहोगे तो तुरंत आपका दिमाग टेंशन फ्री हो जाते, और जब टेंशन फ्री हो जाते फ्रेंड तुरंत नींद आ जाते। जब टेंशन इंसान का दिमाग से जब टेंशन फ्री हो जाएगा तो अभी उसका रिलैक्स हो जाते, तुरंत ही नींद आ जाते। आप अभी भी अप्लाई कर सकते। तो फ्रेंड पहले पहले जब ये मेडिटेशन आप करने जाओगे तो जाके आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक दो दिन का बाद से आपको आदत बन जाएगा। तो आप कभी भी कहां पे भी सिर्फ 2-3 मिनट का अंदर ही आप सो पाओगे, आपका अंदर पूरा के पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। ये तो गया फ्रेंड पहले तरीका। दूसरा एक तरीका भी है, जो जब आप सोया हुआ हो और नींद नहीं आ रहा है तो आप खुद का शरीर को महसूस करो, आपका हाथ, आपका पैर, आपका बॉडी। जब महसूस करोगे तब आपका अंदर का जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, और फिर आपको सांस कैसे ले रहा हो, सांस का आवाज को महसूस करो। फ्रेंड ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन आप अगर सोने का टाइम पे करोगे तो आपका तुरंत नींद आ जाएगा। और किसी को फ्रेंड ये तरीका पहले पहले अपनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं तो वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। जैसे सोने का पहले हाथ पैर फिर गर्दन अच्छा करके धो लेना, और सोने का पहले थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना, जिसमें अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपका खून ज्यादा दौड़ने लग जाए, जब से आपका खून स्पीड हो जाएगा उसका बाद जब आप रेस्ट लोगे तो आपका नींद जल्दी आने का संभावना बहुत ही गुना बढ़ जाते हैं। और दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते फ्रेंड, मेडिटेशन कर सकते। मेडिटेशन के बारे में तो सब सुना ही होगा, ध्यान। जब आप ध्यान करने लग जाओगे 15 मिनट से 20 मिनट सोने का पहले, आपका बॉडी एंड माइंड पूरा के पूरा रिफ्रेश हो जाते, और ध्यान को भी एक तरह का नींद ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो ध्यान में विलीन हो जाते वो पूरा नींद में ही रहते, ये भी आप बोल सकते हैं। तो आप मैं जितना भी तरीका बताया आप पूरा के पूरा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर 1-2 दिन 2-3 दिन तक आप अगर ये आदत में डालोगे तो आपको सिर्फ एक ही मैं पहले जो तरीका आपको बताया, जब आप सोने का टाइम पे आप देखो आपका दिमाग में क्या चल रहा है, जब दिखने लग जाओगे तो वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ 2-3 मिनट का अंदर ही नींद आ जाएगा। तो ये फ्रेंड सबसे बेस्ट तरीका है, आप चाहे तो पूरा के पूरा अप्लाई कर सकते। ये तरीका फ्रेंड आप अगर अप्लाई कर पाओ तो मैं गारंटी देता हूँ आपको जल्दी से जल्दी नींद आ जाएगा। फिर भी ये तरीका अप्लाई करने में आपका अगर कोई भी दिक्कत लगे तो जरूर मेरे को कमेंट करना, मैं उसको अप्लाई दूंगा, और इससे कैसे और भी बेहतर किया जा सकता है वो भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड ये वीडियो जिसको वो वाला प्रॉब्लम होते तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये तरीके का फायदा सबको मिलना चाहिए। तो फ्रेंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।